हेलो फ्रेंड्स, होप यू डूइंग फाइन। माय नेम इज मेहुल सोलंकी एंड वेलकम टू गॉड्स ओन कंट्री, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इंडिया, केरला। इस केरला की वन वीक की ट्रिप के दौरान हम काफी सारे प्लेसेस विजिट करने वाले हैं, डिलीशियस फूड भी ट्राई करेंगे, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बजट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एंजॉय करते हैं शानदार जर्नी जो है मेरी और आपकी ड्रीम प्लेस केरला। केरला पहुंचने का सबसे आसान तरीका है फ्लाइट से आप कोची पहुंचे। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हो तो अपने सिटी से एर्नाकुलम जंक्शन आ सकते हो और ट्रिप की शुरुआत कर सकते हो। तो अभी हम आ पहुंचे हमारे केरला ट्रिप के फर्स्ट डेस्टिनेशन अथिरापल्ली वाटरफॉल। वैसे यहाँ की एंट्री टिकट 50 रुपए पर पर्सन है और एंट्री गेट से यहाँ पे पहुँचने में आपको करीबन 10 मिनट जितना समय लगेगा, लेकिन टोटली वर्थफुल है। आप इस वाटरफॉल के बेहद खूबसूरत नज़ारे तो देखिए। वैसे इस वाटरफॉल पे काफी सारी मूवीज की शूटिंग हो चुकी है, लेकिन बाहुबली मूवीज के शूटिंग के बाद ये वाटरफॉल काफी पॉपुलर हो चुका है और इसे काफी सारे लोग बाहुबली वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। और इस वाटरफॉल की हाइट करीबन 25 मीटर और विथ 100 मीटर है। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और बाद में आप वाटरफॉल के ऊपर भी जा सकते हो, तो हम वहां पर भी जाएंगे। तो इस वाटरफॉल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर भी आप आ सकते हो। एंट्री गेट से सिर्फ 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। चालाकुडी रिवर पे ये जो अथिरा वाटरफॉल बना हुआ है उसका बेहद खूबसूरत नज़ारा हम यहाँ से भी एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट गार्ड है उन्हें मैंने ड्रोन फ्लाई करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने मना ही कर दिया, वरना आपको ड्रोन के बेहद खूबसूरत नजारे देखने को मिलते। तो कोई बात नहीं, अभी हम आगे बढ़ते हैं मुन्नार की ओर। वाटरफॉल के एंट्री गेट के बाहर ऐसा काफी सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। टिकट काउंटर से अगर आप थोड़ा आगे जाते हो तो उसके पास में एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आप वाटरफॉल का एक बहुत ही बढ़िया नजारा भी देख सकते हो। यहाँ से मुन्नार जाने के दो रास्ते, जिसमे से हमने फॉरेस्ट का रास्ता पसंद किया, जहाँ चेक पोस्ट पे एंट्री करने के बाद खूबसूरत रास्तों को एक्सप्लोर करते हुए इन रबर के पेड़ों को देखते हुए हम वापस मेन रोड पहुँच गए। अभी दोपहर के 3 बजे और हम लंच करने के लिए आप पहुंचे क्ले ओवन रेस्टोरेंट में, जो उनुकल में है और यहां से मुन्नार 60 किलोमीटर रह जाता है। यहां पे हम केरला की ऑथेंटिक ट्रेडिशनल डिश ट्राई करने वाले हैं जिसका नाम है सदिया। तो हम ट्राई करते हैं और बाद में आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि ये डिश कैसी है। बीटरूट, ये बनाना की चटनी, जिंजर पिकल, पम्पकिन, व्हाइट पम्पकिन, पाइनएप्पल करी, कुंदरू, मिक्स वेज जी, ओके, ये तो बनाने चिप्स हैं और बनाना केरला पापड़ और चावल और ये दाल, रसम, सांबर, कटी, बटर मिल्क, मिल्क वाला पायसम, चेकगुड़ वाला पायसम, चूड़ा। तो अभी हम पहुंचे हैं चियापारा वाटरफॉल। वैसे यहां तक आते हुए हर मोड़ पे आपको एक वाटरफॉल जरूर देखने को मिलेगा। मैंने काउंट किया तो करीबन 26 वाटरफॉल तो मैंने देखे, तब जाके हम इस चियापारा वाटरफॉल पे रुके। यहां पे आपको काफी सारे टूरिस्ट भी देखने को मिलेंगे और यहां पे आप बढ़िया फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी भी कर सकते हो। तो हम यहां पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। तो वाटरफॉल से थोड़ा ही आगे आते हुए यहाँ पे स्पाइसेस एंड हर्बल गार्डन है, वो हम विजिट करने वाले। वैसे यहाँ पे एंट्री टिकट 100 रुपीज पर पर्सन है, जिसमें आपको गाइड भी मिलेगा जो आपको सब कुछ समझाएगा कि जो भी प्लांट है उसकी क्या मेडिकल प्रॉपर्टी है और वो आप कैसे यूज कर सकते हो, और आपको अगर कुछ परचेस करना है तो वो भी यहाँ पे जो शॉप है उसमें से कर सकते हो। तो चलिए एक जो गाइडेड टूर है वो हम विजिट करते हैं।
मखोटा देवा जो इंडोनेशिया जैसी कंट्री में ज्यादा होता है, जो डायबिटीज वगैरह मेडिकल सिचुएशन में यूजफुल है। ये है हल्दी, ये है तेज पत्ता। देखो ये है इलायची का पेड़, और हमारे गाइड ने बताया कि 10 किलो इलायची को छानने के बाद वो 1.5 किलो रह जाती है, इसीलिए ये बहुत महंगी होती है। देखो ये जो पेड़ है ना, इसके छिलके दालचीनी के रूप में यूजफुल होते हैं। तो इस टूर के दौरान आपको एक बेहद खूबसूरत चेक डैम भी देखने को मिलेगा। वैसे ये जो नदी है इसे देवियार कहते हैं, और वहाँ पे है चेक डैम जो काफी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे हम 5 मिनट जितना टाइम स्पेंड करते हैं, बाद में ये जो टूर है उसे कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग, दिस इज डे 2 ऑफ केरला ट्रिप, और आज हम विजिट करने वाले हैं मुन्नार के लोकल साइट सीन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मैं अपनी होटल के बारे में बता देता हूँ, रूम टूर दे देता हूँ, और बाद में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे मुन्नार साइट सीन के लिए। तो ये है हमारा रूम 201, और यहाँ एंटर होते ही ये बहुत ही स्पेशियस लिविंग रूम, और ये है सबसे बढ़िया गैलरी। 2 पर्सन बड़े आराम से यहाँ बैठे हुए इस प्यारे नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो ये है वॉशरूम, नीट एंड क्लीन। ये है डबल बेड और स्पेशियस ऑसम। यहाँ पे 2 चेयर है, टीवी है, मिरर भी है। तो अभी हम मुन्नार के हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन आ पहुँचे, जिसका नाम है एराविकुलम नेशनल पार्क। नेशनल पार्क है तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स व्यू पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। वैसे यहाँ पे इंक्वायरी करते हुए मुझे ये पता चला कि यहाँ पे पर पर्सन एंट्री टिकट 200 रुपीज़ है, जिसमें आपको बस टूर मिलेगी, जिसमें आप कुछ एनिमल्स व्यू पॉइंट्स वगैरह एक्सप्लोर कर पाओगे। मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ तो मुझे भी ज़्यादा पता नहीं, तो चलिए साथ में इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो करीबन 10 मिनट की बस राइड के बाद हमें एक पॉइंट पे छोड़ दिया है। यहाँ से पैदल जाना है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पैदल घूमते हुए हमें एक्सप्लोर करना है, और उसमें जो मज़ा आने वाला है ना, वैसा वो एक नंबर है, क्योंकि अभी वेदर है ना बहुत ही प्रेजेंट हो चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए पैदल आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। मैं इस ट्रिप को एंजॉय कर रहा हूँ वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के पैकेज के साथ। अगर आप भी केरला ट्रिप को कम्प्लीटली एंजॉय करना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक्सप्लोर करते हुए हमें कुछ फ्रेंड्स मिले, तो हम उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। बताइए फ्रेंड्स, आप कहाँ से हो? हम सोलापूर महाराष्ट्र। मागच्या वर्षी पण आम्ही आलो होतो, खूप चांगलं वाटलं आम्हाला, त्यामुळे आम्ही यावर्षी पण परत आलोय, तर आम्हाला केरला खूप मस्त वाटला। इस पॉइंट से आगे टूरिस्ट को जाना अलाउ नहीं है। वापस जाते समय हमने जो प्यारे नजारे देखे वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। क्या खूबसूरत जगह है। देखो ये है नीलगिरी थार, जिसके लिए नेशनल पार्क पॉपुलर है, और जो भी टूरिस्ट आते हैं वो इस नीलगिरी थार को देखने के लिए ही आते हैं। बस से वापस आते समय हमने चाय के बागान देखे, और वीआर सेंटर में इस नेशनल पार्क के बारे में और भी जाना, जहां 100 रुपीज पर पर्सन चार्ज है, लेकिन मेरे हिसाब से इट इज टोटली वर्थफुल। पार्किंग से हमारी कैब से हम आगे बढ़ते हुए मुन्नार के प्यारे रास्तों को पीछे छोड़ते हुए हम पहुंचे एक टी फैक्ट्री। तो अभी हम जा रहे थे मडुपट्टी डैम, लेकिन रास्ते में एक टी फैक्ट्री है जहां पे आप विजिट करके ये देख सकते हो कि चाय कैसे प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे हमने 100 रुपीज़ की टिकट ले ली है पर पर्सन, और 25 मिनट्स का वॉक होता है जिसमें आप पूरी प्रोसेस देख सकते हो। 1:30 बजे का हमारा टाइमिंग है, 5 मिनट की देरी है, तो थोड़ा वेट करते हैं और बाद में हम देखेंगे ये टी फैक्ट्री। फैक्ट्री में एंटर होते ही आपको सबसे पहले प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जिसमें कंप्लीट एंड टू एंड प्रोसेस दिखाई जाती है। हालांकि आप मशीन के पास नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ फ्रेश चाय जरूर ट्राई कर सकते हो जो टेस्टी होती है। अगर आप शॉपिंग भी करना चाहते हो तो यहाँ के स्टोर में से शॉपिंग भी कर सकते हो। अभी हम जा रहे हैं माटुपट्टी डैम, और वैसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ हमारे सारथी मतलब ड्राइवर साहब जमशेर भाई,
जो हमें बहुत ही हेल्प कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि कहाँ कैसे जाना है, कितना टाइम स्पेंड करना है, जिसकी बदौलत आप मोस्ट ऑफ दी अट्रैक्शन विजिट कर पाओ। तो यहाँ पे जो टी फैक्ट्री थे ना, उसके बिल्कुल ही पास में, मतलब 5 मिनट के डिस्टेंस पे ही है। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और विजिट करते हैं मट्टुपट्टी डैम। मट्टुपट्टी डैम एक सीनिक लोकेशन है, लेकिन यहाँ फेंसिंग होने की वजह से शायद आपको फोटोग्राफी के लिए ये इतना सही ना लगे, लेकिन आप यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी एंजॉय कर सकते हो। देखो यहाँ से ये जो रास्ता है ना, यहाँ से आपको थोड़ा सा व्यू देखने को मिलेगा। तो अभी वहाँ पहुँचे इको पॉइंट। वैसे ये जो आप देख रहे हो ना, वो है लेक। इको पॉइंट और जो मट्टुपट्टी डैम था ना, वो दोनों एक ही लेक पे बना हुआ है। और भाई साहब यहाँ के जो नज़ारे हैं ना, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे अगर आपको पैडल बोट करनी है तो 4 लोगों के ₹600 से, 2 लोगों के ₹400 से, कयाकिंग भी कर सकते हो 2 लोगों के ₹400 से। यहाँ पे एज सच कोई एंट्री टिकट नहीं है, लेकिन यहाँ के जो व्यूज है ना फोटोग्राफी के लिए तो एक नंबर है। आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। मेरे हिसाब से 15 मिनट जितना या आधे घंटे जितना टाइम तो आप बड़े आराम से यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। तो हम भी यहाँ के खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करते हैं। तो अभी हम वहाँ पहुँचे हैं बॉटनिकल गार्डन, जहाँ के एंट्री टिकट पर पर्सन ₹100 है और टाइमिंग सुबह के 9 बजे से शाम के 8 बजे तक का है। और ये गार्डन में इतने सारे आपको फ्लावर देखने को मिलने वाले हैं भाई साहब। और पहाड़ों से घिरी हुई ये जगह बहुत ही अद्भुत लग रही है। तो चलिए साथ में इस बॉटनिकल गार्डन को एक्सप्लोर करते हैं और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्लावर हम देखते हैं। बोटोनिकल गार्डन से आगे बढ़ते हुए हमने एक जगह पे टी गार्डन्स विजिट किए और कुछ एरियल व्यूज भी कैप्चर किए। ये देखिए, यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमने रेनबो देखा जो बहुत प्यारा लग रहा था। बाद में हम पहुंचे वंडर वैली, जहां आप करीबन 35 एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हो 1000 प्लस GST में। अगर आप फैमिली के साथ हो या आपके पास किड्स से, तो आप यहां बहुत एंजॉय करने वाले हो। तो मुन्नार में आज के दिन के हमारे लास्ट अट्रैक्शन विजिट करने के लिए हम पहुंच चुके हैं चॉकलेट फैक्ट्री, जहां पे हम कॉफी भी ट्राई करने वाले, अगर पॉसिबल हुआ और अच्छा लगा तो कुछ चॉकलेट भी परचेस करने वाले। ये जो चॉकलेट फैक्ट्री है वो हम विजिट करेंगे, तो चलिए हमारे साथ। यहाँ सबसे पहले आपको विजुअल प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, बाद में आप लाइव भी देख सकते हो। अगर आपको शॉपिंग वगैरह करना है तो वो भी पॉसिबल है। तो अभी मैं वापस अपने होटल आ चुका हूँ और अभी भी उजाला है, मतलब सनसेट हो चुका है लेकिन लाइट अभी भी है। तो यहाँ इसके होटल के पीछे चाय के बागान है, तो मैं वो विजिट करने जा रहा हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ। गुड मॉर्निंग, आज केरला ट्रिप का हमारा तीसरा दिन है और आज हम मुन्नार से जाने वाले ठेकड़ी, जिसका डिस्टेंस करीबन 100 किलोमीटर है, जिसमें 3 घंटे जितना समय लगेगा, लेकिन रास्ते में कुछ मेजर अट्रैक्शन है वो भी हम विजिट करने वाले। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्त, ये रास्ते तो आप देखिए कितने प्यारे हैं। और इसी रास्तों पे आगे बढ़ते हुए हमने मैजेस्टिक गणेशा स्टेचू विजिट किया, कोकोनट वाटर भी ट्राई किया जो टेस्टी था। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक पैकेज कंपनी थ्रू, जिसका नाम है वे फॉर ट्रैवल्स। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी जो भी डिटेल है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पेरियार टाइगर रिजर्व, यहां से हम एंट्री टिकट लेंगे और इस बस से थ्रू आगे जाएंगे और जहां हमें ड्रॉप करेंगे वहां से हमारी बोट राइड होगी। वैसे यहां पे एंट्री टिकट है ₹45, बस का चार्ज है ₹30 और जो बोटिंग होती है उसकी प्राइस है ₹255, 1.5 घंटे का टाइमिंग होता है और एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है जो हर टूरिस्ट को एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। तो यहां पे है 10 लोग जितना हो गए, बाद में ये बस को आगे ले जाएंगे। तो अभी तो 3 लोग ही हैं, तो वेट करते हैं और बाद में आगे बढ़ेंगे। सो फाइनली हम बोट में आ चुके हैं।
और जो अपर बर्थ है वहाँ पे हमारा नंबर है, और आई एम सो लकी कि पहली सीट है मेरी। लेकिन यहाँ पे इंक्वायरी करते हुए मुझे ये पता चला कि ड्यूरिंग बोट राइड हम खड़े भी नहीं हो सकते, ना चल सकते, सिर्फ बैठे बैठे ही देखना है। सो लेट्स सी, एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहने वाला है, लेकिन मैं शायद आपको सही तरीके से ना दिखा पाऊँ, बट जो होगा साथ में देखेंगे। पेरियार लेक में बोट राइड करने के बाद हम पहुंचे हमारे रिसोर्ट द एलिफेंट कॉट, और भाई साहब इतनी प्यारी प्रॉपर्टी है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको वर्चुअल टूर दे देता हूं। और ये है हमारा कॉटेज 105, और यहां पे एक छोटा सा पॉन्ड है जहां पे कुछ मछलियां भी हैं। यहां से एंट्री होते ही ये मेरा लगेज है, वाटर रूम, ग्रेट। सही में ट्रैवलिंग के दौरान अगर ऐसे रूम मिल जाए ना तो आपकी ट्रिप में चार चांद लग जाते हैं। और यहाँ पे दो चेयर हैं, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं। द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी बालकनी, और यहाँ से कुछ ऐसा बढ़िया सा व्यू भी आपको देखने को मिलता है। ये है यहाँ का वॉशरूम, नीट एंड क्लीन। तो बाय इवनिंग टाइम ठेकड़ी में हम आ पहुँचे यहाँ की मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने, जिसमें एलिफेंट राइड, कालरी मतलब मार्शल आर्ट, और कथकली डांस जो ट्रेडिशनल डांस होता है। वैसे जो एलिफेंट राइड है उसकी टिकट है 500 रुपीज़ में, जिसमें 20 मिनट जितना टाइम मिलता है, और बाद में कालरी मतलब जो मार्शल आर्ट होता है उसका टाइम है 6 to 7, उसकी टिकट 300 है, और बाद में 7 to 8 कथकली डांस होगा जो ट्रेडिशनल डांस होता है वो 7 to 8 है, उसकी भी सेम टिकट प्राइस है 300 रुपीज़। तो चलिए यहाँ की ये मज़ेदार एक्टिविटीज़ एंजॉय करते हैं। तो एलिफेंट राइड अमेजिंग रही, और बाद में जो हमने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की ना, इट वॉज फेब्यूलस, बहुत ही अच्छा लगा। अब हम जा रहे हैं कालरी जो मार्शल आर्ट एक्टिविटीज़ होती है ना उसके लिए, जिसका टाइमिंग है 6 to 7, एक घंटे का प्रोग्राम होता है, तो चलिए वो भी एंजॉय करते हैं। सो दिस इज़ द डे फॉर ऑफ आर केरला ट्रिप, और आज हम जाने वाले हैं ठेकड़ी से अलेपी। और आपको तो पता ही है अलेपी अपनी हाउस बोट के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे ठेकड़ी से अलेपी का डिस्टेंस 140 किलोमीटर है, जिसमें हमें करीबन 4 घंटे जितना समय लगेगा। तो जल्दी से इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। रिसोर्ट में हमने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया, और वापस से खूबसूरत रास्तों को एंजॉय करते हुए हम पहुंचे एक सुंदर वाटरफॉल जिसका नाम है वालन जनकनम वाटरफॉल। यहाँ पर आप 10 से 15 मिनट रुकते हुए बढ़िया सी फोटोग्राफी भी कर सकते हो, और बनाने की एक आइटम पाजम पूरी भी ट्राई कर सकते हो। बाद में हम आगे बढ़ते हुए केरला के सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन पहुंचे जिसका नाम है एलेपी, जिसे अलप्पुझा नाम से भी जाना जाता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके केरला ट्रिप के मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस को एंजॉय करने, जो है एलेपी में हाउस बोट। ये देखिए, ग्रेट। वैसे हम यहाँ पे 3:30 बजे पहुँचे थे, हमें वेलकम ड्रिंक प्रोवाइड किया, और बाद में मैंने लंच भी कर लिया, और यहाँ के नज़ारे देखिए आप। वैसे हम साथ में इस अमेजिंग व्यू को एंजॉय करने वाले, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो ये हाउस बोट है उसकी एक वर्चुअल टूर दे देता हूँ, बाद में हम साथ में यहाँ के ब्यूटीफुल नज़ारे को साथ में एंजॉय करेंगे। ये है ड्राइविंग एरिया जहाँ हमारे कप्तान बैठेंगे, ये है डाइनिंग हॉल, यहाँ पे सोफ़ा है, सीटिंग अरेंजमेंट है, डाइनिंग टेबल्स है, यहाँ पर भी सीटिंग अरेंजमेंट है, टीवी है, फैन है, म्यूज़िक सिस्टम भी है। और इस पैसेज से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हमारा रूम आएगा, और ये है हमारा रूम फॉर टुनाइट, और ये है यहाँ का वॉशरूम।
गुड, नाइस, नीट एंड क्लीन। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये है वॉश एरिया विथ मिरर, और ये है यहाँ का किचन, और ये है बैक एरिया। और अभी हमारी हाउस बोट स्टार्ट हो रही है। आपको यहाँ से अपर डेक में जाना है तो भी जा सकते हो। और यहाँ पे है दो लोगों का काफ़ी बढ़िया सिटिंग अरेंजमेंट, और यहाँ से आप एंजॉय कर पाओगे बैक वाटर और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे। मैं केरला की ट्रिप इतने अच्छे से प्लान करने के लिए वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और आप सबको भी जरूर रिकमेंडेड करूंगा। वे फॉर ट्रैवल्स की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो भाई साहब, चलती हुई हाउस बोट से ड्रोन फ्लाई करना, अमेजिंग व्यूज लेना, और सबसे बड़ा डर था कि उसे लैंड कैसे करेंगे, लेकिन आई एम सो फॉर्चुनेट कि हमारा लैंडिंग के समय तक हमारी हाउस बोट ये जो एक पॉइंट है वहाँ पर आ चुकी थी, तो आराम से मैंने लैंडिंग कर लिया, वरना तो बहुत ही मुश्किल होने वाले थी। अभी ये जो जगह है आप जैसे कि देख रहे हो, बहुत ही प्यारी, यहाँ पे बहुत सारे कोकोनट ट्रीज है, बनाना ट्रीज है। और यहाँ पे क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मुझे ये बताना है कि आपको ड्रोन व्यूज़ कैसे लगे, बहुत मेहनत की है भाई, अच्छे लगे हो तो कमेंट में जरूर बताना। यह डेस्टिनेशन मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, जहां आप राइस पाम भी देख सकते हो और फ्रेश कोकोनट भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप सी फूड ट्राई करना चाहते हो तो यहां से परचेस करके हाउस बोट में कुक भी करवा सकते हो, लेकिन मैंने यहां पर आइसक्रीम एंजॉय की। तो अभी शाम को 6 बजने को है और आधे घंटे में शायद सनसेट भी हो जाएगा, इसलिए अब हमारी हाउस बोट वापस जाएगी जहाँ से हमने ये राइड स्टार्ट की थी, क्योंकि हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह, तो उसके लिए यूजुअली शाम के समय वो वापस ले जाते हैं, और बाद में आप वहाँ घूम सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस, और सनसेट का नज़ारा वह एक नंबर होने वाला है, तो साथ में वो भी एंजॉय करते हैं। ये हैं हमारे कप्तान साहब अरुण, और हमारे सेफ जो डिलीशियस खाना बनाते जिफिन। दिस इज द डे यू विल ऑलवेज रिमेम्बर एज द डे यू ऑलमोस्ट गॉट कप्तान जैक स्पैरो। तो ये है मोटर बोट शिकारा। अगर आपको ऐसे हाउस बोट नहीं चाहिए और सिर्फ एंजॉय करनी है राइड, तो ऐसे कर सकते हो। ये हाउस बोट में हॉर्न की भी जरूरत पड़ती है, तो अगर आपको यहाँ पे कायाकिंग भी एंजॉय करनी है ना, तो वो भी पॉसिबल है। इवनिंग के टाइम वापस हाउस बोट से आने के बाद आप यहाँ वहाँ वॉक करते हुए टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम एलएपी। अभी सुबह के 8 बजे और यहाँ का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, काफी अच्छा एटमोस्फियर है। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे और बाद में हमारी करीबन 1 से 1.5 घंटे जितनी राइड होने वाली है, बहुत ही एंजॉय करने वाले, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और साथ में यहाँ के खूबसूरत नज़ारे भी एंजॉय करते हैं। एलएपी में बहुत सारी मेमोरीज बनाने के बाद हम आगे बढ़े लाइट हाउस विजिट करने। एलएपी में अभी हम आप पहुंचे लाइट हाउस, जहां पे एंट्री टिकट 20 रुपीज़ पर पर्सन है और मोबाइल या कैमरे का चार्जेस 10 रुपीज़ पर पर्सन है। अभी हम लाइट हाउस में ऊपर जाने वाले और वहां से सराउंडिंग व्यूज भी देखने वाले, तो चलिए हमारे साथ। लाइट हाउस से 2 मिनट के डिस्टेंस पे है एलएपी बीच, जहां आप ना वाटर एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हो ना ही स्विमिंग, लेकिन यहां कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ना कि जिसकी वजह से आप फोटोग्राफी एंड एंजॉयमेंट अच्छे से कर पाओगे। यहां एक शिप भी रखा हुआ है, जिसे विजिट करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हो जटायु अर्थ सेंटर की ओर। तो अभी वहां पहुंचे जटायु अर्थ सेंटर, जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा बल्ब स्कल्पचर है और वो हम विजिट करने जा रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ। यहाँ एंट्री टिकट 610 रुपीज से केबल कार के साथ। अगर आप बाई वॉक जाना चाहते हो तो ऑलमोस्ट 355 रुपीज, लेकिन केबल कार से जाना इज बेस्ट ऑप्शन टू सेव टाइम। और बाद में आप विजिट कर सकते हो मोस्ट अमेजिंग एंड मैजेस्टिक बल्ब स्कल्पचर ऑफ जटायु। तो हमने जटायु स्टैच्यू विजिट कर लिया, ये पहाड़ी पर होने की वजह से ये काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो जब रावण सीता मैया को लेकर जा रहा था पुष्पक विमान में, तब जटायु ने उनका पीछा किया, उनके साथ युद्ध किया, लेकिन रावण ने उनके पंख काट दिए,
और वो यहाँ मतलब चढ़या मंगलम विलेज में जो कोलम डिस्ट्रिक्ट में यहाँ आकर गिरे। और जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जंगल में सीता मैया को ढूंढ रहे थे तब जटायु ने ही उनको बताया था कि रावण सीता मैया को दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंस है इस जगह का ऐसा, और ये जगह विजिट करने में आपको करीबन 1.5 से 2 घंटे जितना समय लग सकता है। जटायु स्टैचू है यहाँ पे, जो श्री राम टेम्पल है वो भी आप विजिट कर सकते हो। हमें काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अब समय हो चुका है हमारा आगे बढ़ने के लिए, तो चलिए आगे बढ़ते वर्कला बीच की ओर। ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर के ड्राइविंग के बाद हम पहुंचे वर्कला में हमारे रिसोर्ट, जहां चाय और बिस्कुट के साथ हमारा वेलकम हुआ और स्पेशल रिक्वेस्ट पे पायसम भी ट्राई करने को मिला। तो अभी हम पहुंच चुके वर्कला। ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हम नाइट स्टे करने वाले हैं। वैसे इस प्रॉपर्टी का नाम है ओशन ब्रिज रिसोर्ट। हमने यहाँ पे चेक इन कर लिया, हम रेडी भी हो चुके अभी शाम के 6 बजे, और यहाँ का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। हमें बेसिकली जाना था वर्कला बीच, लेकिन हम लेट हो चुके, इसलिए इस प्रॉपर्टी का एक व्यू पॉइंट है यहाँ पास में, वहाँ जाएंगे, समुद्र का प्यारा नज़ारा एंजॉय करेंगे, और बाद में मॉर्निंग में हम जाएंगे वर्कला बीच। तो हम जाते हैं व्यू पॉइंट, तब तक आप इस प्यारी प्रॉपर्टी की एक वर्चुअल टूर को एंजॉय कीजिए। इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी में ये है हमारा कॉटेज जिसका नाम है ट्यूलिप, और यहाँ पे है डबल बेड, कबर्ड, सोफा, एसी, फैन, टीवी, यहाँ पर भी टेबल वगैरह है। ये हमारा कुछ सामान है, और ये है यहाँ का वॉशरूम, नीट एंड क्लीन। तो हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है, और ब्रेकफास्ट में एक राइस की आइटम थी जिसे कहते हैं पुट, वो राइस और कोकोनट का मिक्सर होता है वैसे, उसके साथ अगर आप पापड़ को और शुगर को मिक्स करके खाओ ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। वैसे अभी हम वर्कला पार्किंग है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये देखो काफ़ी बढ़िया सा पार्किंग है यहाँ पे, और यहाँ पे है बीच, और जो वर्कला जो पॉपुलर जिसके लिए क्लिफ, तो हम वो विजिट करने वाले हैं, तो चलिए हमारे साथ। वर्कला में कैफे एंड रेस्टोरेंट कल्चर काफी अच्छा है, यहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हो, लेकिन आप ये रास्ता देख रहे हो वहाँ से नीचे जाना होता है बीच की ओर, लेकिन फिलहाल हाई टाइड की वजह से ये रास्ता भी बंद है। तो साउथ क्लिप से होते हुए हम जाएंगे वर्कला बीच। वर्कला में बीच साइड ऑफ रोडिंग, बैक वाटर में बोटिंग या कयाकिंग, सर्फिंग ट्रेनिंग या फिर समुन्द्र में सर्फिंग करना भी पॉसिबल है। देखो यहाँ पे इनका कोई लोकल ट्रेडिशन परफॉर्म हो रहा है, मुझे नहीं पता है ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे बढ़ने से पहले हमने वर्कला में जनार्दन स्वामी टेंपल विजिट किया। वैसे मैं आपको बता दूं कि साउथ इंडिया में आपको टेंपल में एंटर होने से पहले पुरुष को शर्टलेस ही जाना होता है। मुझे साउथ इंडिया के कलरफुल टेंपल्स काफी अच्छे लगे। बाद में हम आगे बढ़े कैपिटल सिटी ऑफ केरला, जहां का रास्ता आप देखिए कितना प्यारा है। केरला की कैपिटल सिटी तिरुवनंतपुरम, जिसे त्रिवेंद्रम भी कहे थे, और यहाँ है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जहाँ पर हम 12 बजे पहुँच चुके थे, लेकिन अगर आपको दर्शन करने हो तो सुबह 10 बजे से पहले या शाम को 5 बजे तक आ सकते हो। हमें दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन मैं मंदिर के अंदर क्या क्या है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल 4 गेट है, और जब आप गेट से एंटर होते हो ना, तो सबसे पहले कोरिडोर आएगा, फिर मंडपम, और बाद में गर्भगृह। वैसे जो कोरिडोर में जो छत होती है ना, वहाँ पे ज़्यादातर फिश की आपको नक्काशी देखने को मिलेगी, जो पिलर है उस पे एनिमल, बर्ड्स और मूर्तियाँ भी बनी हुई है, और इतना मैजेस्टिक और प्रभावशाली मंदिर मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन अगर आप आ ही रहे हो ना, मतलब त्रिवेंद्रम की साइड आ रहे हो, एयरपोर्ट तक आ रहे हो, तो आपको ये मंदिर ज़रूर विजिट करना चाहिए, लेकिन 10 बजे से पहले या शाम को 5 बजे के बाद। काफ़ी अच्छा लगा हमें, मंदिर के अंदर शूटिंग अलाउ नहीं है, मतलब आप कैमरा या मोबाइल अंदर ले भी नहीं जा सकते, सो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मंदिर के अंदर जेंट्स को धोती कंपलसरी है, और लेडीज़ अगर साड़ी के साथ है तो ठीक है, वरना उनको भी धोती तो पहननी ही है। और यहाँ के लॉकर के चार्जेस 50 रुपये, धोती का 130 रुपीज़ है। बस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आप जब भी आ रहे हो ना,
तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर आप विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है और मेरे हिसाब से बहुत ही प्रभावशाली मंदिर भी है। तो ये है आदिशक्ति रिसोर्ट और ये है हमारा रूम नंबर 302 और यहाँ पे है डबल बेड, टेबल जहाँ पे हमारा लगेज है, यहाँ पे टीवी है, मिरर है, एसी है, चेयर वगैरह भी है और सबसे इम्पोर्टेंट और ये है यहाँ की बालकनी और जिसका मज़ेदार व्यू आपको देखने को मिलेगा। गार्डन है, स्विमिंग पूल है और वहाँ ओशन भी है जहाँ पर भी आप जा सकते हो। तो अभी वहाँ पहुँचे आजीमला शिवा स्टैचू। इंस्टाग्राम में आपने इस जगह के वीडियो बहुत सारे देखे होंगे। वैसे यहाँ का शाम का टाइमिंग 5 बजे का है, हम 4:30 बजे यहाँ पहुँचे थे, 5 बजे हम मंदिर में गए, दर्शन किए और वैसे यहाँ पे कोई एंट्री टिकट नहीं है, आप मंदिर में दर्शन कीजिए, बाद में शिवा स्टैचू है वहाँ पे टाइम स्पेंड कीजिए, फोटोग्राफी कीजिए और पास में ये जो प्यारा समुंदर है ना वो एक नंबर का नज़ारा देता है। सच में यहाँ पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए मंदिर, शिवा स्टैचू और इस समुंदर के प्यारे नज़ारे को एंजॉय करते हैं। बाद में हम वहाँ पहुँचे लाइट हाउस विजिट करने, लेकिन मंडे होने की वजह से वो क्लोज होता है, तो हम डायरेक्टली पहुँच गए ब्यूटीफुल बीच ऑफ कोवलम। तो अभी शाम के 6 बजे है और हम पहुँच चुके हैं कोवलम बीच। वैसे कोवलम का मतलब होता है कोकोनट ग्रू और यहाँ पे आपको इतने सारे कोकोनट ट्रीज दिखने वाले हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूँ कोवलम बीच को इंटरनेशनल बीच भी कहते हैं और यहाँ का पानी बहुत ही क्लीन है। यहाँ पर आप स्विमिंग कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो और सनसेट तो एंजॉय करने ही वाले हो आप। तो हम भी यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ के प्यारे नज़ारे साथ में एंजॉय करते हैं। केरला ट्रिप के लास्ट डे पे सबसे पहले हम विजिट करने वाले पुवार आइलैंड में बोटिंग और यहाँ पे जो नैरो कैनल्स के बीच में जो बोटिंग करने का मजा है ना वो एक नंबर, मतलब सारे टूरिस्ट ये मजेदार और शानदार एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस अद्भुत अनुभव को एंजॉय करते हैं। तो पुवार आइलैंड पे यहाँ पे एक्सप्लोर करते हुए हमें एक ग्रुप मिला है जो गुजरात से आया है। केम छो तमे बधा? केवो मजा आजे केरला मा? जबरदस्त। केवो जे पुवार आइलैंड? तो चलो गुजराती ग्रुप मड्यु छे अने गुजराती लोको मडे ने गरबा ना थाय ए पॉसिबल नथी, तो चलो थोड़ी वार माटे आपणे गरबा ने एन्जॉय करिए। इस संगम पर कुछ फूड स्टॉल्स भी है जहां हमने बेल ट्राई की जो एवरेज थी, बाद में कोकोनट वाटर तो ट्राई करना ही पड़ेगा ना मेरे दोस्त। यहां आप हॉर्स राइड या फिर कैमल राइड भी एंजॉय कर सकते हो। तो पुवार में हमारी 2 घंटे की बोट राइड कंप्लीट हो चुकी है और इस 2 घंटे की बोट राइड में हमने करीबन 12 व्यू पॉइंट एक्सप्लोर किए, जिसमें से नेयार रिवर और अरेबियन सी का जो संगम था ना वो मेरा फेवरेट है। और रिटर्न में जो हम मैंग्रोव फॉरेस्ट में से कैनाल थ्रू बोट राइड कर रहे थे, वो भाई साहब वो क्या नज़ारा था। अगर कोई फोटोग्राफर है ना तो उसके लिए तो ये जन्नत वाली जगह है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप आ रहे हो ना पुवार में बोट राइड के लिए, तो मॉर्निंग के टाइम मतलब सनराइज और इवनिंग में सनसेट के टाइम पे आओगे तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही गजब होने वाला है। वैसे मैंने ये जो बोट राइड है ना ये ड्रीम आइलैंड के थ्रू प्लान की थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप भी यहाँ पे बोट राइड करना चाहते हो तो यहाँ पे आइए, आपको बेस्ट डील मिल जाएगी। अभी हम आगे बढ़ते हमारे लास्ट डेस्टिनेशन कन्याकुमारी।
कन्याकुमारी जाते हुए रास्ते में आपको जब भी लॉटरी टिकट्स दिखना बंद हो जाए तो समझ लेना कि आप तमिलनाडु में एंटर हो चुके हो। तो अभी वहाँ पहुँचे कन्याकुमारी, वैसे ये जगह तमिलनाडु में, हालांकि केरला ट्रिप के दौरान काफी सारे टूरिस्ट ये जगह प्लान करते हैं। कोलम से करीबन 77 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, जिसमें 2 घंटे जितना समय लग सकता है, और यहाँ पे स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, वो विजिट करने के लिए आपको जेटी से मतलब बोट राइड करते हुए यहाँ आना पड़ेगा, जिसका चार्ज 75 रुपीज़ पर पर्सन है। मेमोरियल की टिकट 30 रुपीज़ है, और जो बोट का टाइमिंग है वो सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे तक का है। और मेमोरियल है ये जो जगह है, यहाँ पे आप शाम के 5:30 बजे तक रुक सकते हो। मेमोरियल के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं वो आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अंदर क्या है। मेमोरियल के अंदर स्वामी विवेकानंद जी का स्टैच्यू है, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की छवि है, और उनकी वाइफ शारदा देवी की भी छवि आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये जो समुंदर है ना, उसका बहुत ही प्यारा नजारा हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए इस खूबसूरत जगह और ऐतिहासिक जगह को साथ में विजिट करते हैं। मॉर्निंग में ये जगह विजिट करना बेस्ट टाइम है। फेरी में करीबन एक साथ 150 पैसेंजर को ले जाया जाता है, और थोड़े दूर से ही आपको रॉक मेमोरियल का प्यारा नजारा देखने को मिलेगा। समुद्र के बीच में ऐसी जगह होना और उसमें भी ऐसा स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट रखना सच में काबिले तारीफ है। एवरीडे यहाँ करीबन 10,000 जितने टूरिस्ट आते हैं, और यहाँ से समुद्र दर्शन और इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का त्रिवेणी संगम देखना एक दिलचस्प अनुभव है। वैसे यह है तिरुवल्लुवर का स्टैच्यू, जो एक प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थे, लेकिन यहाँ अभी ब्रिज का काम चल रहा है, तो बाद में आप बाय वॉक भी ये स्टैच्यू विजिट कर पाओगे। वापस आने के बाद हमने कन्याकुमारी में मार्केट विजिट किया, यह टेंपल विजिट किया, और यहाँ से रॉक मेमोरियल और स्टैच्यू का बेहद खूबसूरत नज़ारा भी एंजॉय किया। यहाँ से सनसेट देखना और उजाले से अंधेरे होते हुए देखना आपकी ट्रिप को समाप्त करने का बेस्ट तरीका है। तो ये थी हमारी मोस्ट अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल केरला ट्रिप, और आपको ये वीडियो देखकर पता चल ही गया होगा कि केरला को क्यों गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं। अगर लाइफ में मुझे फिर से केरला जाने का मौका मिला ना, तो वो मौका मैं हरगिज चूकने वाला नहीं हूँ। और ऑल थैंक्स टू मिस्टर रवि, जो वे फॉर ट्रैवल्स के ओनर हैं, जिनके थ्रू मैंने ये ट्रिप प्लान की और सक्सेसफुली कम्प्लीट की, और मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप। रवि भाई, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको बजट के बारे में जानना है तो रवि भाई प्लीज आप हमारे ऑडियंस को बताइए बजट के बारे में, और जो भी इन्फॉर्मेशन है केरला ट्रिप के बारे में। बिल्कुल, मैं चाहूँगा, मैं तो आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, हमेशा की तरह आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ। मैं ऑडियंस को बताता हूँ, केरला का जो मिनिमम पैकेज होता है वो 4 नाइट 5 डे का होना चाहिए, कोची टू कोची, और 18,500 ये स्टार्टिंग प्राइस है हमारा 3-स्टार फैसिलिटी के साथ। इसमें आपको मुन्नार तेकड़ी LAP कवर होता है। इसके अलावा मैं जो रिकमेंडेशन करता हूँ वो एटलीस्ट 6 नाइट के लिए करता हूँ। केरला बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, ऑल इन वन प्लेस है। अगर स्नोफॉल छोड़ दो ना, तो आपको हिल मिलेगा, बैक वाटर मिलेंगे, बीचेस मिलेंगे, आपको हाउस बोट मिलेगी, लेक्स मिलेंगे, टेम्पल्स मिलेंगे, एवरीथिंग इज़ देयर। तो आप हमेशा एटलीस्ट कम से कम 6 नाइट करिए, 7 नाइट या 8 नाइट अगर आपके पास है तो पुआर आइलैंड, जो कि एक फ्लोटिंग है, और कन्याकुमारी भी आप कवर कर सकते हैं, और 9 नाइट 10 डेज अगर आपके पास है तो रामेश्वरम जी कवर आप कर सकते हैं। सर का पैकेज एक लग्जीरियस पैकेज था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको सर का पैकेज, सर के होटल चाहिए, तो आप प्रॉपर इंक्वायरी रेज करें, हम आपको सेम प्राइस के साथ देंगे। सर के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट थे, लेकिन आपके लिए भी रहेंगे। आप कॉल करते ही बताइएगा कि आप मेहुल जी की वीडियो देख के आए हैं, हम डेफिनेटली बहुत अच्छी सर्विस और पैकेज भी आपको जो सर को दिया है सेम आपको देंगे। दैट्स रियली ग्रेट न्यूज़। अगर आप इंक्वायरी कर रहे हो तो हमारा नाम लीजिएगा, आपको बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा। तो जो वेफर ट्रैवल्स की जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में वेफर ट्रैवल्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सेव नेचर, सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।